स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू का डिफरेंस। इससे पहले हम देखने वाले हैं कि फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो होते हैं इसमें, यानी कि सिस्टम मीन्स इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ सब यूनिट होते हैं, एरे ऑफ सब यूनिट, फंक्शनल सब यूनिट होते हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग फंक्शन करते हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होगा, कैरोटेनॉइड होंगे, क्यूनॉन्स होंगे, फेरस सल्फर प्रोटीन होंगे, ये सब मिलकर एक फोटो सिस्टम बनते हैं। और फोटो सिस्टम होते हैं दो टाइप के, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। तो ये दोनों फोटो सिस्टम के हम डिफरेंस देखने वाले हैं, और यही डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि कौन क्या फंक्शन करता है, किसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, वे कौन से वेवलेंथ पे काम करता है। तो चलो एक एक कर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम वन में ये क्या करता है? तो फोटो सिस्टम वन लाइट हार्वेस्ट करता है। लाइट हार्वेस्ट कर स्टूडेंट्स ये NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? NADPH2। ये लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट कर NADPA को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। और वहीं पर हमारा जो फोटो सिस्टम टू है स्टूडेंट, फोटो सिस्टम क्या है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, किससे बना है स्टूडेंट? ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और फ्रेंड्स, ये फोटो सिस्टम टू एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या करता है, ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर करता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आप सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का यूज कर ऑक्सीजन जनरेट होता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं फोटोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके फंक्शन, मतलब ये क्या करते हैं, व्हाट आर दे डू, मतलब इनका रिएक्शन प्रोसेस क्या है। और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, वेयर दे फाउंड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फोटो सिस्टम वन है स्टूडेंट्स, वो मिलता है आउटर मेम्ब्रेन में। कहां मिलता है स्टूडेंट? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलोक्लोइड, थैलोक्लोइड की आउटर मेम्ब्रेन में रहता है। और जो हमारा फोटो सिस्टम टू है स्टूडेंट्स, वो रहता है इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर स्टूडेंट्स? इनर मेम्ब्रेन में रहता है थैलोक्लोइड की। और रिएक्शन सेंटर क्या है दोनों के? तो स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर है P700, और फोटो सिस्टम टू का है स्टूडेंट्स P680। तो आप यहां पर सोच रहे होंगे ये रिएक्शन सेंटर क्या है, तो ये दूसरे पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। जिस वेवलेंथ पर फोटो सिस्टम काम करता है उसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्योंकि उसी वेवलेंथ पर लाइट रिएक्शन काम करती है, लाइट रिएक्शन हैपन होती है। तो स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम वन का जो वेवलेंथ है स्टूडेंट, वो है 700, कितना है, 700 नैनोमीटर। और हमारे फोटो सिस्टम टू का है 680 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, यही है P680 और P700, यानी कि रिपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन मींस ये कितने सब यूनिट से बना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो PS1 है स्टूडेंट्स, वो बना है 15 सब यूनिट से। और ये सब यूनिट में क्या क्या आता है स्टूडेंट, जैसे कि क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल के सब टाइप आते हैं A, B, C, और उसमें आता है क्यूनॉन्स, फाइलोक्यूनॉन्स, कैरेटोनॉइड्स, फेरस सल्फर प्रोटीन, ये बहुत सारे चीजें मिलकर ये सब यूनिट बनते हैं। तो ये हमारा फोटो सिस्टम वन बना है 15 सब यूनिट से, और फोटो सिस्टम टू बना है 25-30 सब यूनिट से। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन सेंटर हमारे फोटो सिस्टम वन का है FES। तो आप सोच रहे होंगे FES क्या है? फेरस सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर है इनका, यानी कि फेरस सल्फर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, फेरस सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर है। और जो हमारा फोटो सिस्टम टू है स्टूडेंट्स, उसका है क्यूनॉन टाइप, जैसे कि यूबीक्यूनॉन, मेटाक्यूनॉन, ये सब क्यूनॉन टाइप। तो इसका क्या है स्टूडेंट्स, ये सल्फर प्रोटीन इन्वॉल्व है स्टूडेंट उसमें। और स्टूडेंट्स, इसमें पिगमेंट कौन से हैं, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है स्टूडेंट, एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है। तो दोनों में कौन सा पिगमेंट ज्यादा है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी ज्यादातर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा इन्वॉल्व है, वो इसमें हम डिफरेंस में देखने वाले हैं। ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, ए और बी इन्वॉल्व होते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोटो सिस्टम वन है उसमें क्लोरोफिल ए ज्यादा है और बी कम है, और इसी का वाइस वर्सा होता है फोटो सिस्टम टू में बी ज्यादा है और ए कम है। तो स्टूडेंट्स ये इजी है आपको मेमोराइज करने के लिए, ये वाइस वर्सा फंक्शन है। और फिर आता है फोटोलाइसिस, यानी कि फोटो। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस यानी जो हमने यहां पर देखा कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होकर ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो इसी प्रोसेस के अंदर तो हमारा फोटो सिस्टम वन तो यस होगा क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस प्रेजेंट है, पर फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम वन में नहीं होता इसलिए यहां नो होगा। तो स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन आती है फॉस्फोराइलेशन, यानी ये कौन से साइक्लिक में इन्वॉल्व है या नॉन साइक्लिक में। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोटो सिस्टम वन है ये साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में दोनों में इन्वॉल्व है, और जो हमारा फोटो सिस्टम टू है स्टूडेंट्स वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है। किसमें? सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है। और पिगमेंट्स कौन से? तो स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए और बी तो ये दो पिगमेंट है पर हर अलग वेवलेंथ पर होते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा क्लोरोफिल ए तो ये 670 होगा, 680 भी है, 690, 700, तो ये सब वेवलेंथ है क्लोरोफिल ए। और इधर पे भी इसी वेरिएशन में होते हैं, क्लोरोफिल बी का 680, 690, 650, तो ये सब पिगमेंट से टाइप्स ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए 650, क्लोरोफिल बी 650, ये सब। स्टूडेंट्स लास्ट में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन मींस ये क्या क्या करता है, यानी कि ये क्या जनरेट करता है। जैसे कि हमारा जो फोटो सिस्टम वन है स्टूडेंट्स वो साइक्लिक प्रोसेस में क्या जनरेट करता है और नॉन साइक्लिक में क्या करता है, नॉन साइक्लिक में क्या करता है, तो ये दोनों देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट साइक्लिक के अंदर हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में यह क्या करता है वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट साइक्लिक में ये एटीपी सिंथेसिस होता है और नॉन साइक्लिक में ये एनएडीपीएच2 बनाता है। कौन बनाता है? हमारे फोटो सिस्टम वन के अंदर स्टूडेंट साइक्लिक में एटीपी फॉर्मेशन होते हैं और नॉन साइक्लिक में होते हैं एनएडी फॉर्मेशन, यानी कि एनएडीपीएच2 फॉर्मेशन। और हमारा तो फोटो सिस्टम टू जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है, तो ये नॉन साइक्लिक में क्या करता है स्टूडेंट, ये करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर और एटीपी सिंथेसिस। क्या स्टूडेंट? एटीपी सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का डिफरेंस। स्टूडेंट्स आज हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि ये फोटो सिस्टम वन में क्या है, एनएडीपी से एनएडीपीएच2 फॉर्म होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटर में है, इनर में है फोटो सिस्टम टू, इनर में है फोटो सिस्टम टू, आउटर में है। फिर कौन सी वेवलेंथ पे है, ये 700 पे है फोटो सिस्टम टू, 680 पे है। और फिर कितने सब यूनिट है, 15 है, 25 to 30 है। ये दोनों का एक परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हर पेपर में आता है। फिर हमने देखा साइक्लिक में क्या एटीपी फॉर्म करता है, नॉन साइक्लिक में एनएडीपीएच2। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है। और स्टूडेंट्स ये था हमारा आज फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू पे का लेक्चर। तो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।